नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आचल। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉनस्टॉप। मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्र द्वारा मधुमेह से मुक्ति 72 घंटे में इस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मधुमेह मुक्त भारत अभियान के प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सिंह उपस्थित रहे, जहां उन्होंने उपस्थित सैकड़ों महिलाओं को प्रोजेक्टर द्वारा स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी प्राप्त कराई। बीमारी तो है, लेकिन आपको जो डर दिमाग डाला गया है, उस डर की वजह से हम लोग स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और वही स्ट्रेस आपको बीमारी को कंटिन्यू लेके चलते रहता है। आपको पहले आप आधी गोली खाते थे, जितने लोग भी रहेंगे मैं देखा जितना डायबिटीज में अक्सर की पहले लोग आधी गोली शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी गोली शुरुआत करते हैं, बाद में दो गोली खाते हैं, तीन गोली खाते हैं, चार गोली खाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है नहीं, अब तुमको गोली शूट नहीं कर रही है, अब तुमको इंसुलिन लेना पड़ेगा। इस मौके पर घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी ने महिलाओं का उमंग उत्साह बढ़ाते हुए उनको आध्यात्मिकता अपनाने के लिए प्रेरित किया। जिस घर में, परिवार में या जिस समाज में या जिस राज्य में या राष्ट्र में नारी की पूजा होती है, वो समाज, परिवार, राष्ट्र कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। कोलकाता के AAI के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में रिवीलिंग द एम्पावर्ड फेस ऑफ वुमेन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर बांगुर सेवा केंद्र से वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके पद्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हर नारी को आज सशक्त करने की अति आवश्यकता है, तभी हम परिवार के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र को भी हिम्मत के साथ संभाल सकेंगे। इस मौके पर AAI के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय जैन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर समेत अन्य महिला पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं बांगुर सेवा केंद्र पर भी आयोजित कार्यक्रम में पार्षद दीप्ति रॉय, बीके अस्मिता, बीके पद्मा उपस्थित रही, जहां सभी ने नारी का समाज में श्रेष्ठ योगदान एवं उसके सशक्तिकरण पर चर्चा की। जो स्त्री के पास शक्ति है, होने का भी पहली से कोई नाम दे सकता है ऐसी शक्ति, वो मन की शक्ति, प्रेम की शक्ति है, और इसीलिए इस शक्ति को हम पहचाने। वहीं असम के गुवाहाटी सेवा केंद्र पर भी नारी सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिस्पुर कॉलेज से डॉक्टर नमिता डेका, डॉक्टर अनीता चौधरी, सोशल एक्टिविस्ट प्रेमलता खंडेलवाल, सबजोन प्रभारी बीके शीला, बीके मौसमी, बीके शारदा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने नारी की महिमा करते हुए कहा कि जहां नारी का सम्मान है वही घर स्वर्ग है। मैं तो यही कहती हूँ, नारी शक्ति राष्ट्र की शक्ति है, और देखिए हम लोगों में इतनी शक्ति है कि शायद मुझे लगता है कि ईश्वर भी इससे ईर्ष्या करते होंगे, क्योंकि नारी ही जननी है। हमारा भारत देश की महिमा है भारत माता, तो हम सब माताएं ऐसी वंदनीय है, इसलिए पहले तो आप सबकी मैं महिमा गाती हूँ, वंदे मातरम। माताओं की जहाँ वंदना होती है वहाँ सकता है। ऐसे ही नवी मुंबई स्थित वाशी के स्थानों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां ब्रह्मा कुमारीज विशेष रूप से आमंत्रित हुई। इस दौरान सेक्टर 14 के महात्मा गांधी कॉम्प्लेक्स में वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद बेलापुर के शेतकरी समाज संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीके शीला द्वारा कई महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीके शीला ने महिला का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हुए उसे महानता, हिम्मत तथा लालन पालन करने वाली बताया। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों महिलाओं को प्लास्टिक का उपयोग स्थगित करने के लिए विशेष निर्देशन दिया गया। हरियाणा के नरवाना सेवा केंद्र पर सशक्त नारी सशक्त समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर विनय यादव, SDM डॉ. किरण सिंह, CDPO मंजू कथुरिया, जिन सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, उचाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा, टोहाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना ने दीप जलाकर किया। इस दौरान अतिथियों ने अपने संबोधन में संस्था को विश्व भर में नारी सशक्तिकरण का एक अतुलनीय जीवंत उदाहरण बताया और उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की प्रशंसा की। ईश्वर की सर्वोत्तम प्रेरणा, सबसे उत्तम
सर्वोत्तम कृति अगर स्वर्ग है तो हम कहते हैं मनुष्य जीवन है। और मनुष्य जीवन में हमें कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि जिससे हम अपनी सर्वोत्तमता को बनाए रखें। आत्मा का परमात्मा से मेल यही है कि आपको पता चलता है कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं इस धरती पर, क्या मकसद क्या है हमारा यहाँ आने का। वो पता किस मिनट अगर आप पूरे दिन में खुद को दे देते हो तो पूरा रिफ्रेश हो जाते हो। इस मौके पर बीके विजय ने कहा कि यदि हमारे विचार श्रेष्ठ और पवित्र होंगे तो हमारे मन में भी सभी के लिए एक समान प्रेम की भावना जागृत होगी। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंटकर सम्मानित किया। पानीपत के हुडा सेवा केंद्र पर संस्कृति की संरक्षक नारी विषय पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी सुप्रिया रतन, सर्कल इंचार्ज बीके सरला, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अतिथियों तथा संस्थान के सदस्यों ने नारी की महानता का गुणगान किया। महिलाएं हर जगह अपनी भूमिका निभा सकती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो राजनीति में हो, किसी प्रोफेशनल लाइन में हो या सामाजिक संस्थाओं में हो, सोशल वर्क में हो या धार्मिक स्थान पर हो, हर जगह पर महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। हरियाणा के हतिन में मूल्य निष्ठ समाज के निर्माण के लिए महिलाओं के योगदान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पलवल से आई एडवोकेट सुशीला दास ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला केवल जननी ही नहीं बल्कि शक्ति स्वरूपा भी है। मई सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने महिलाओं से प्रतिज्ञा कराई कि वे स्वयं भी संस्कारवान बनेंगी व अपनी संतानों को भी संस्कारवान बनाएंगी। ऐसे ही नारनौल में भी कार्यक्रम संपन्न किया गया जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सरिता यादव ने कहा कि महिलाएं डर का त्याग करें व शक्ति स्वरूपा बने। साथ ही जिला संपर्क अधिकारी उषा रानी ने भी महिलाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर जिला बाल विकास अधिकारी आशा शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रतन व विशिष्ट महिलाओं को ईश्वर सौगात भेंट की। वही कादमा सेवा केंद्र एवं बाबा कृपानाथ किसान क्लब रामबास के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा महिला कबड्डी टीम की कप्तान प्रियंका पिलानिया, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र यादव, महिला एवं बाल विकास अधिकारी गीता सहारण, किसान क्लब अध्यक्षा कश्मीर शहरावत, माउंट आबू से ज्ञान अमृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वही बीके उर्मिला ने कहा कि नारी समाज की धुरी है जो सभ्य समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। अब खबर तो शाम की है जहां मूल्य निष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मेगा माइंडेड सीनियर सिटीजन स्कूल की प्राचार्या कमलेश पंगाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, शर्मा नर्सिंग हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रमिला शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें महिलाओं ने बड़े उमंग उत्साह एवं खुशी के साथ भाग लिया। इस मौके पर विजयी महिलाओं को ईश्वर सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया गया। हरियाणा रोहतक के महम सेवा केंद्र में समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कैनरा बैंक मैनेजर एकता बागड़, एडवोकेट रंजना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना, बीके सुमन ने महिलाओं को मूल्यवान बनने के लिए सशक्त बनने व जीवन में मूल्यों को धारण करने पर जोर दिया। वहीं बीके चेतना ने राज्यों का महत्व बताते हुए राज्यों का अभ्यास भी कराया। हरियाणा के नूह सेवा केंद्र द्वारा राम मंदिर में आदर्श समाज बनाने हेतु शिक्षा में आध्यात्मिकता का समावेश विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अशोक गोयल, प्रवीण अग्रवाल, जगदीश मंगला, हसनपुर से बीके इंदिरा, बीके संजय हंस, बीके बिंदु उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा की एवं संस्था के सदस्यों ने जीवन जीने के तरीके सिखाए। राजस्थान में रेडियो मधुबन द्वारा ग्राम लूनियापुरा में परिवर्तन के लिए निर्भीक बने विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पैथोलॉजिस्ट रश्मि ने महिलाओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें सदा स्वस्थ रहने के तरीके बताए। साथ ही आरजे उषा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
इस दौरान मानपुर में पैनल डिस्कशन भी रखा गया, जिसमें ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से डॉक्टर कनक श्रीवास्तव, एडवोकेट अवधेश देवर और मॉस्को सेवा केंद्र के निदेशिका बीके सुधा ने महिलाओं की योग्यता एवं जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी कुसुम वर्मा, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य गुंजन, बीजेपी की महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री राधा भारद्वाज, महिला मोर्चा जिला प्रवक्ता बबीता पाल, सिविल जज नीतू सिंह, वरिष्ठ राज्यक शिक्षिका बीके बबीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने हिस्सा लिया। वही कार्यक्रम में नारी को स्वर्ग का द्वार बताते हुए कहा गया कि आज की नारी को परमात्मा द्वारा मिल रही राज्यों की शिक्षा को जीवन में धारण करने की जरूरत है, तभी वो हर क्षेत्र में सफल हो सकती है। वही कार्यक्रम से पूर्व शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें झांसी की रानी, भारत माता की सुंदर झांकी समेत कई प्रतिष्ठित नारियों की झांकी शामिल रही। इन झांकियों द्वारा लोगों को नारी शक्ति को दर्शाया गया। ऐसे ही भाद्रा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्षा रईसा बानो, प्रणामी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुमन, लॉर्ड कृष्णा स्कूल के डायरेक्टर विजय चौबे, प्रिंसिपल सुनीता चौबे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता उपस्थित रहीं। इस अवसर पर अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्तर में सुधार समेत कई पहलुओं पर चर्चा की। वहीं चूरू सेवा केंद्र पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड धारी किरण जाड़ीवाल, बाल कल्याण समिति के अध्यक्षा संतोष मासूम, महिला थाने की ASI मजीद कौर, शिक्षिका साधना बंसल, सक्सेस पॉइंट के देवेंद्र जोशी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन व बीके रेखा ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया गया। झालावाड़ के भवानी मंडी सेवा केंद्र द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नगर पालिका अध्यक्षा पिंकी गुर्जर, पार्षद रंजिता पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम एवं गायत्री परिवार समेत कई विशिष्ट संस्थाओं ने सहभागिता की। स्थानीय समाज एवं धर्म की महिलाओं ने गुलाबी साड़ी पहनकर उत्साह पूर्वक इस रैली में भाग लिया। ये रैली वसुंधरा विहार कॉलोनी सेंटर से होती हुई शहर के सभी मुख्य चौराहों व बाजारों से निकाली गई। इस रैली में महिला शक्ति को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध चरित्रों जैसे झांसी की रानी, रजिया सुल्तान, गीता फोगाट, जीजाबाई समेत कई भव्य झांकियां शामिल थीं। भिलवाड़ा के बिजौलिया सेवा केंद्र द्वारा सोनी धर्मशाला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी जगाओ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में नटराज हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर दुर्गा शंकर मेहर, संस्कार भारती स्कूल के निदेशक घनश्याम सोनी, बाल विद्या मंदिर के निदेशक शक्ति नारायण शर्मा, पार्षद नीता विजय बारगिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रचना समेत कई दिग्गज लोग उपस्थित रहे। इस उपलक्ष्य में शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी कमजोर नहीं बल्कि एक शक्ति है, इन बातों के साथ लोगों को जागरूक किया गया। ऐसे ही उदयपुर में ईश्वरीय ज्ञान द्वारा सत्य की स्थापना विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पैसिफिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार देवेंद्र जैन, HOD डॉक्टर शिव शंकर, चेयरमैन आशीष अग्रवाल, कर्नल सत्ती, माउंट आबू से नेचुरोपैथिस्ट बीके डॉक्टर जमीला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा मुख्य रूप से उपस्थित थी। वहीं अजमेर के धोलाबाटा के कम्युनिटी हॉल में मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रमुख वंदना नोगिया, पार्षद सबा खान, बीके आशा, बीके कल्पना उपस्थित थी। इस मौके पर जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने कहा कि महिलाओं का समाज में विशेष योगदान है और जिस नारी में दया, भावना, सहन शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, वही नारी परिवार और समाज को संगठित रखती है। वही बीके इंद्र ने राजयोग द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई, साथ ही रैली का भी आयोजन किया गया। पीलीबंगा सेवा केंद्र द्वारा 7 दिवसीय तनाव मुक्ति मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई लोगों ने नशा एवं अन्य बुराइयों से दूर रहने की प्रतिज्ञा करते हुए मेडिटेशन द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सीखी। इस मौके पर श्रीगंगानगर से बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी उपस्थित थी।
गुजरात के पाटन सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामोश्री संस्था के संचालक व कॉरपोरेटर नलिनी माने ने कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने कहा कि महिलाओं को चाहिए कि वे बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता पर भी ध्यान दें। इस मौके पर डॉक्टर कांति पटेल, लोहाना समाज की महिला प्रमुख चंद्रिका ठक्कर व कई लोग उपस्थित थे। ऐसे ही गुजरात भरूच के झाड़ेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में SVMIT में असिस्टेंट प्रोफेसर बीके वंदना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाएं ही परिवार एवं समाज में सुख शांति का आधार है, इसीलिए उन्हें आध्यात्मिकता को अपनाना चाहिए एवं राज्यों का नियमित अभ्यास करना चाहिए। गेल इंडिया लिमिटेड गंधार में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में बीके अमिता एवं कंपनी के कर्मचारियों सहित अन्य लोग भी शामिल थे। गुजरात के गोंडल में आयोजित कार्यक्रम में नगरा अध्यक्षा मनीषा सेवलिया, PSI सुखनंदनी, महिला ग्रुप प्रेसिडेंट जसुमती, बीके भानु समेत कई महिलाएं शामिल थी। वहीं बीके भानु ने बताया कि मेडिटेशन हमारे जीवन में मेडिसिन का कार्य करता है। सभा में उपस्थित महिला अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही 200 महिलाओं ने महिला जागृति के लिए प्रतिज्ञा कराकर राज्यों का अभ्यास कराया। वहीं दीप सेवा केंद्र द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगमों के उद्घाटन कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रमुख मंजुला बेन, पूर्व धारा सभ्य कालू राठौर, यूरोप से बीके हिरोनिका, बीके हीरा, बीके गीता, बीके डोनिका समेत कई विशिष्ट लोग शामिल रहे। वहीं इसके समापन अवसर पर स्वामी नारायण गुरुकुल के स्वामी माधवदास स्वामी, देव स्वामी, धर्मनंदन स्वामी समेत संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। 12 ज्योतिर्लिंगमों के द्वारा लोगों को परमात्मा निराकार का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। अहमदाबाद के वस्त्रल सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में भागिनी महिला निकेतन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट नीता बेन श्राम, पूर्व शिक्षक सविता बेन पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा समेत कई महिलाएं उपस्थित थी। इस मौके पर महिलाओं ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। पंजाब के गोरैया सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में वुमेन विंग की प्रेसिडेंट कुलविंदर कौर, रीना टंगरी, सुषमा गुप्ता, रीमा सेठी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत कई बिजनेस वुमेन उपस्थित थी। इस मौके पर बीके सीमा ने उपस्थित महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि नारी पालना देने वाली, संस्कार बदलने वाली, समाज को भी बदल सकती है। ऐसे ही लुधियाना में जन जागरूकता रैली निकालकर एवं नारी तू है जग की माता, नारी तू है भाग्य विधाता के नारे लगाकर समाज में नारी के महत्व को बताया गया, जिसमें सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके सरस समेत कई सदस्यों ने सहभागिता की। अब खबर है भारत की राजधानी दिल्ली से, जहां आरके पुरम एवं मुनेर का सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक प्रमिला टोकस, बीके जगरूप, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, बीके मनीषा मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर प्रमिला टोकस ने महिला शक्ति को महान शक्ति बताते हुए कहा कि नारी के साथ साथ पुरुष को भी अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है, तभी ये समाज एक स्वर्ग में तब्दील होगा। वही आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों को ईश्वरीय ज्ञान भी दिया गया। नई दिल्ली में स्त्री शक्ति मिड डे मील द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस दौरान बीके डॉक्टर अर्चना ने महिला को प्रोत्साहित करते हुए स्वयं से प्रेम करने की बात कही एवं भोजन बनाते समय नकारात्मक विचार एवं व्यर्थ बातों से परे रहने का आग्रह किया। ऐसे ही दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा शिव मंदिर में मूल्य निष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल सरस्वती मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल उषा महाजन, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके शक्ति, बीके स्नेह उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने समाज में महिलाओं के योगदान पर चर्चा की। आज की खबरों में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।